उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 नवंबर से 41 मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए हैं। सुरंग में ड्रिल करने के लिए भेजी गई ऑर्गर मशीन नाकाम रही है। अब मजदूरों को वर्टिकल यानी सुरंग के ऊपरी हिस्से पर ड्रिलिंग करके बाहर निकालने की तैयारी है। ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो सुरक्षित हैं। अगर रेस्क्यू में जल्दबाजी की गई तो मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नाल्ड डिस्क ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सुरंग के ड्रिलिंग के कई तरीके हैं, सिर्फ ऑर्गर मशीनों से ही ड्रिलिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल सब कुछ ठीक है, अब आप ऑर्गर मशीन को नहीं देख पाएंगे। ये अमेरिकी मशीन टूट चुकी है, अब कोई नई ऑर्गर मशीन भी यहाँ नहीं आएगी, हम दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। उधर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने गुरुवार को सारी स्थिति साफ की थी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए NDMA के मेंबर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा था कि मजदूरों को बाहर निकालने की कोई साफ टाइमलाइन नहीं दी जा सकती। तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला काम है ये। तो इसपे हर वक्त ये उम्मीद रखना कि अगले दो घंटे में हम निकाल लेंगे, ये मैं समझता हूँ सरासर गलत है। इससे क्या है कि वर्कफोर्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस स्थिति में वर्कर्स जो है वो रिस्क पे हैं और उतनी ही रिस्क पे जितने सब स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पर, जो रेस्क्यू टीम है वो उतनी ही रिस्क में। तो बोथ आर एट रिस्क, अंदर जो उसको रेस्क्यू करना है और जो रेस्क्यू करने वाला है, बोथ आर एट इक्वल रिस्क। सो वी हैव टू केयर फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दीज पीपल एट द सेम टाइम। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझसे मजदूरों ने कहा है कि हमें खाना मिल रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द यहां से निकल सके, यहाँ सभी संसाधन उपलब्ध है। मालूम हो कि उत्तराखंड की निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में पिछले 15 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें से अभी तक किसी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, बावजूद इसके मजदूरों तक बचाव कर्मी नहीं पहुंच पाए हैं। बता दें कि ये सुरंग चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही थी। इसके बनने से उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए इस टनल का काम किया जा रहा था, लेकिन 12 नवंबर को हादसा हो गया। अब देखना यह होगा कि कब रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और कब मजदूर इस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। फिलहाल तो सरकारें कोशिश कर रही हैं और तमाम लोग इन कोशिशों का हिस्सा बने हुए हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।